हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मल्टी स्टार बैच में। आज मैं एक बार फिर आपके लिए छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट जॉब की जानकारी लेकर आया हूं। तो दोस्तों, यहां सहायक ग्रेड 3 की पोस्ट निकली हुई है और इस पोस्ट को आप 12 नवंबर 2021 से पहले भर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको डिटेल से जानकारी देता हूँ। उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई नई जॉब की जानकारी आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो चलिए इसकी ऑफिशियल नोटिस की तरफ चलते हैं। यहां आप इसका ऑफिशियल विज्ञापन देख पा रहे हैं। तो यह विज्ञापन पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा 12 अक्टूबर 2021 को रिलीज किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इस विज्ञापन में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में इस पोस्ट के लिए सीधी भर्ती हेतु दिनांक 12 नवंबर 2021 तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी इसके विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.pssou.ac.in पर उपलब्ध है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें पद का नाम है सहायक ग्रेड 3 का, जिसमें वेतनमान है 5200 से लेकर 20200 रुपये तक, तथा उसके अलावा 1900 रुपये अलग से दिया जाएगा, जिसमें अनारक्षित यानी जनरल से एक पोस्ट है, आदिम जनजाति से एक पोस्ट है तथा पिछड़ा वर्ग से एक सीट है। यानी कि सहायक ग्रेड 3 के कुल 3 पोस्ट यहाँ खाली हैं। इन 3 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए कुछ जरूरी निर्देश तथा टिप पढ़ लेते हैं। इससे पहला है कि विज्ञापन पदों की संख्या परिवर्तनीय है, अर्थात इसे कभी भी घटाया या बढ़ाया जा सकता है। दूसरा है कि इसमें आवेदन शुल्क जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपये तथा एसटी और एससी के लिए 250 रुपये का भुगतान चालान के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ चालान की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाए। अगला है कि सहायक ग्रेड 3 पद हेतु वर्ष 2019 में विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया जा चुका है, उन्हें एक बार पुनः आवेदन करना होगा, लेकिन इस बार उन्हें कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। अब देख लेते हैं कि इस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए। इसमें सबसे पहला है कि अभ्यर्थी 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, अथवा 12वीं कक्षा के साथ साथ किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, या कक्षा 10वीं के बाद किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उसके पास होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा उसके पास होनी चाहिए। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा का आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा। अब देख लेते हैं इसकी सामान्य नियम और शर्तें। इसमें पहले ही आपको मैं बता चुका हूँ कि यह इसमें पदों की संख्या परिवर्तनीय है, अर्थात संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। इसमें मैं आपको कुछ जरूरी चीज़ें ही बताऊँगा। तो उसके लिए है कि अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है, तथा उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यह एक नियम यह भी है कि शासन द्वारा निर्धारित कम आयु सीमा से कम आयु में विवाह करने वाले उम्मीदवार इस पोस्ट के लिए पात्र नहीं होंगे। अगला है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जिनकी किसी आरोप के कारण सेवा समाप्त की गई है, वे भी इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। आवेदन विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.pssou.ac.in पर ऑनलाइन माध्यम से भरना होगा। इसके पश्चात भरे हुए आवेदन को प्रिंट कर उसको स्वहस्ताक्षरित कर निर्धारित तिथि तक पंजीकृत डाक इस पोस्ट के माध्यम से कुल सचिव पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर कॉलोनी बिरकोना मार्ग बिलासपुर छत्तीसगढ़ के पते पर भेजना होगा। अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विश्वविद्यालय के विज्ञापन दिनांक 17/1/2019 में सहायक ग्रेड 3 के पद में आवेदन किया था, उन्हें फिर से आवेदन करना होगा, परंतु उन्हें पुनः आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।
कंप्यूटर संबंधी योग्यता हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर सूचित मान्यता प्राप्त संस्थाएं ही मान्य होंगी। चयन हेतु आपके न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के 20% तथा इस प्रदेश के मुक्त विश्वविद्यालय में कार्य अनुभव के लिए प्रति पूर्ण अनुभव वर्ष पर 2 अंक के हिसाब से अधिकतम 20 अंक तथा तकनीकी कौशल अभिक्षमता परीक्षा पर 20 अंक और स्क्रीनिंग टेस्ट पर 40 अंक प्राप्त होंगे, अर्थात कुल 100 अंक पर विचार किया जाएगा। इन प्राप्त अंकों के आधार पर ही आपका अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसके इस ऑफिशियल विज्ञापन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर इस विज्ञापन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें तथा हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।